वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं आपके साथ राधा। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मनासा में सेन समाज ने भगवान रघुनाथ जी की निकाली पालकी। बड़ी संख्या में वरिष्ठ जन रहे मौजूद। इस दौरान प्रतिभावना छात्रों का किया गया सम्मान। नीमच में अंकुर अभियान के तहत 6-7 अगस्त को होगा वृद्ध पौधारोपण का कार्यक्रम। कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई अधिकारियों और स्वयंसेवी संस्थानों की बैठक। मध्य प्रदेश में डॉक्टर अभिषेक अरोड़ा ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत निक्षय सॉफ्टवेयर का किया प्रशिक्षण। निःशुल्क उपचार के संबंध में भी दी जानकारी। मध्य प्रदेश के मंडलेश्वर में हिलती नीमसावली की मजार को देखने के लिए उमड़ी भीड़। जायरन ने कहा 3 साल पहले भी दिखा था ये नजारा। मध्य प्रदेश में मंकी पॉक्स की एंट्री। महिला में पाए गए लक्षण। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। जांच के लिए भेजा ब्लड सैंपल। मध्य प्रदेश में नेशनल लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। इस दौरान अधिकारी व जिला प्राधिकरण के कर्मचारी रहे मौजूद। जावद में भाजपा कार्य समिति के सदस्य समंदर पटेल के जन्म दिवस की धूम। पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने दी बधाई। गौशाला भी पहुंचे जन जन के लाडले नेता। मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान की जागरूकता के लिए पुलिस बल ने निकाली बाइक रैली। इस दौरान सभी से ध्वज फहराने के लिए की अपील। नीमच जिला कांग्रेस ने ठोकी 2023 के लिए ताल। पूर्व मंडी अध्यक्ष उमराव सिंह गुजर के बर्थडे पर उमड़ा हुजूम। सालों बाद एक जाजम पद दिखे सभी कांग्रेसी। अब खबरें विस्तार से।